सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू पोकेमॉन प्लैटिनम, जहाँ पर दोस्तों लास्ट टाइम हमने बैटल किए थे हमारे राइवल सीड के साथ। और दोस्तों हमारा जो गैबाइट था दोस्तों गार्चियोन में विकसित हो चुका था, और दोस्तों मैंने उसको अभी अपने लेवल 55 पे ओपन कर चुका हूँ। और दोस्तों अपने जैसे कि आप देख सकते हो हमने बहुत सारे मूव में चेंजेस किए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने फ्लोरजर को ड्रैगन आइस बीम सिखा दी है, और दोस्तों यहाँ पर स्टारप्टर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अपने अल्टीमेट चैलेंज के लिए, जो कि होगा हमारा एलिट 4 चैलेंज। गाइस यस वी आर गोइंग टू स्विच आर मैगमोटर फर्स्ट, बिकॉज आई एम गोइंग टू बाय मैगमोटर। हम मैगमोटर से ही जाएंगे अपने पहले बैटल के लिए। सो चलिए दोस्तों चलते हैं। Let me confirm that you are qualified to challenge the Pokemon League. So let us examine the gym badges you gather from Sinnoh or Bug City's Call Badge, Eterna City's Forage Badge, Arthom City's Relic Badge, Wellstone City's Cobble Badge, Pastone City's Fan Badge, Cancun City's Mine Badge, Snowpond City's Ankle Badge, and yes, Celestone City's Beacon Badge. So we are officially qualified to the Pokemon League. Very well, trainer, you have indeed collected all the gym badges of Sinnoh. Demonstrate the power of that you brought here and go for the glory. So alright, we are set to go our first challenge, which will be the Elite 4. हमें नाम पता नहीं है, देखते हैं दोस्तों कौन होता है। ओके थंबनेल हो गया हमारा। ओके हेलो वेलकम टू द पोकेमॉन लीग, आई एम एरन ऑफ द एलीट 4, इट्स गुड टू मीट यू। ओ आई शुड एक्सप्लेन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द बग पोकेमॉन। बग पोकेमॉन आर नैस्टी मीन एंड येट दे आर ब्यूटीफुल टू। वुड यू लाइक टू नो व्हाई आई टेक दिस पोकेमॉन? इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ परफेक्ट जस्ट लाइक माई बग पोकेमॉन। ओके Let me take you on. So here we go guys, Rudy Gamer versus Elite 4 Aaron. हमारा फर्स्ट चैलेंज दोस्तों होने वाला है आज दोस्तों। यहाँ पर इसके पास 5 पोकेमोन है। ओके शुरुआत उसने अपने यानमेगा के साथ की है। मैं भी दोस्तों यहाँ पर मैगमोटर शायद मेरी ये अच्छी चूज होगी। ओके हम फ्लेम थ्रो से चले जाते हैं। ओके डबल टीम मुझे लगता नहीं है डबल टीम मुझे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बिकॉज हमारा जो निशाना होगा ना वो सीधा होगा हमारे यान मेगा सामने सामने अपोनेंट जो कि होगा मैन यान मेगा। सो यस गाइस द फ्लेम थ्रोवर हैज हिट एंड इट हैज अ वेरी क्रिटिकल हिट एंड यस इट इज गाइस इट इज द KO। 1 फ्लेम थ्रो में हमने यान मेगा को नॉकआउट कर दिया है। तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ भी कौन सा अगला पोकेमॉन होता है। यहाँ पर वेस्पा क्वीन। ओके वेस्पा क्वीन दोस्तों बग टाइप पोकेमॉन है, और दोस्तों कॉम्बी का इवोल्यूशन वेस्पा क्वीन है यहाँ पर। ओके हम इस बार ओके फ्लेम थ्रो से सीधा फिर से चले जाते हैं, देखते हैं अभी कितना डैमेज होता है यहाँ पर। ओके आई थिंक इट शुड बी यस इट इज द गाइस इट इज द 1 KO वी हैव डाउन द वेस्पा क्वीन। ओके ऑल राइट अभी अगला पोकेमॉन कौन होता है? हेराक्रॉस। ओके हेराक्रॉस के लिए शायद नहीं हम स्विच नहीं करेंगे गाइस हम अपने ओके यहाँ पर फिर से मैंने फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल कर लेता हूँ, देखते हैं अभी इस पर कितना डैमेज होता है। हेराक्रॉस एक बग एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है गाइस। ओके यहाँ पर हम ओके यस गाइस इट्स अ ट्रिपल हिट नॉकआउट पंच टू ऑल ऑफ द 3 पोकेमॉन्स ऑफ द एलिट 4 आयरन। ओके गाइस यहाँ पर सीजोर। ओके 4th पोकेमॉन है सीजोर, उसका मेन पोकेमॉन मुझे लगता नहीं है शायद अब तक आया हुआ है। ओके यहाँ पर फ्लेम से फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर लेता हूँ दोस्तों। सीजोर भी दोस्तों फ्लाइंग एंड बग टाइप पोकेमॉन, फ्लाइंग नहीं फाइटिंग एंड बग टाइप पोकेमॉन है, साइथर का विकसित रूप सीजोर है। ओके यहाँ पर सीजोर इट्स ऑल्सो 1 KO। यहाँ पर आज मैगमोटर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़े फॉर्म में है दोस्तों। एक ही हिट में चारों के चारों पोकेमॉन के इसने डाउन कर दिया है नॉकआउट। ओके यहाँ पर लास्ट पोकेमॉन ड्रेपियन, मुझे लगता है कि मुझे अपने पोकेमॉन को स्विच करना होगा। चलो आ जाओ टॉर्टेरा, यहाँ पर हम थोड़ा सा बैटल को लंबा नहीं खींच रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बिकॉज ड्रेपियन इज़ दी पॉइजन टाइप पोकेमॉन, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट दी फायर टाइप गाइस। इस वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर ना ड्रेपियन की दोस्तों वीकनेस जो है, ओ शिट उसने मेरी वीकनेस पकड़ ली यार ड्रेपियन ने। प्लीज टॉर्टेरा प्लीज स्टे विद मी। शिट ओ माय गुडनेस इतनी लंबी हिट, बट आई प्रॉम प्राउड ऑफ यू टॉर्टेरा। अगर तुमने हार भी मान ली लेकिन आई विल बी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज उसने 10 HP पर उसने सर्वाइव किया है गाइज, एंड दैट्स अ वेरी अचीवमेंट फॉर अस, वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। ओके यहाँ पर हमने उसने ओके मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा टॉर्टेरा तो डाउन होगा ही होगा। तो चलो गाइज कोई बात नहीं, यहाँ पर हम अपना अगला पोकेमॉन कौन सा हम चुनेंगे एक बार सेकेंड में देख लेता हूँ। मुझे लगता है ना यहाँ पर हमें विजिबिलिटी नाइस मूव अगेंस्ट। ओके गाइज यहाँ पर हम चूज करने वाले गार्चोम को।
यस, गार्चोंग तुम्हारा पहला बैटल है, मस्त होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन रश जैसा आया नहीं हम इसने, ड्रैगन रश। और गार्चोंग को तो इफेक्ट भी देखो गाइस कैसा दिख रहा है, बहुत ही जो डेंजर दिख रहा है गार्चोंग अपनी। तो यस गाइस, यू हैव सक्सेसफुली डिफीटेड द एलीट फॉर एरन, आई विल नाउ कंसीडर डिफीट, बट आई थिंक यू कैन कम टू हाउ ग्रेट माई बक टाइप ऑफ मोन्सी। आई होप यू आर ऑल्सो रिजल्ट वॉट यूर अब इस डीपो की मॉडलिंग बैटलिंग इन द डीप एंड कॉम्प्लेक्स हियर। 6360 हमारी अर्निंग हुई यहाँ पर। I lost with the most beautiful and toughest of the bug Pokemon. We lost because I wasn't good enough. That's it. Back to the training camp. Let's hear it for me. No, that was wrong. Anyway, go on to the next two. Their three trainers are waiting for you. They are all tougher than me. So yes guys, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और दोस्तों पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। और दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ पोकेमॉन प्लैटिनम के अगले एपिसोड में।